हे बाबा, हेलो भाई, नदी आ गया तुम्हारा। सारा काम निपटा के, और जब भी कोई इंसान परदेश से घर आता है ना, तो आदमी सब सोचते हैं यार क्या ला रखा होगा। तो हम भी देखते हैं भाई, तो चश्मा पहन के कटवा रहा हूँ दाढ़ी। दाढ़ी कटवाना भी जरूरी है यार। कल मैंने एक बहुत बढ़िया जगह जाना है ट्रिप पे, और आप सभी और बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो जरूर पहुंचेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गांव का नाम है तेला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज मौसम की बात की जाए तो बहुत उमस वाला मौसम हो रखा है, पूरी गर्मी लग रही है। गाइस, आज सुबह सुबह वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो इस वजह से मम्मी के साथ खेत में काम करने नहीं गया, लेकिन उन्होंने घास निकाल रखा है तो उसको लेने जा रहा हूँ। आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो जिस वजह से बरसात का पानी पूरी गौशाला में चला जाता है और ऐसे रास्ते बनाने पड़ते हैं हमें। तब यहाँ है हमारी सार, वाह जी वाह, और ये है बिसोन, साक्षी भी यहाँ पे रुकी हुई है। हेलो गाइस, आज आधे रास्ते में आया लेने, खेत में नहीं आया हमारे साथ। आज इनकी मदद नहीं की तो इन पे गुस्सा आ रखा है। अब डेली डेली कौन मदद करे यार। सुबह सुबह मुझे ब्लॉग एडिट करना था, इस वजह से आज मैं आ नहीं पाया, क्योंकि एडिटिंग का काम, उसके बाद हमारे यहाँ नेट चलता ही नहीं है, कभी तो फास्ट चलेगा और कभी चलता ही नहीं है। ये हमारी सार आजकल कितनी खिलखिला रही है सावन के महीने में, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे चौलाई भी बो रखी है। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए चौलाई के। चौलाई के लड्डू तो बहुत खाए होंगे आपने। भाई आज इन्होंने भी सोल्टा ज़्यादा नहीं भर रखा है, तो ज़्यादा भारी भी नहीं हो रहा, ये हल्का फुल्का लगभग 15-20 किलो तो होगा ही। वैसे तो ये आता नहीं है, आज देख लो जब हम यहाँ पे आ गए तब आया। दोस्तों अभी भी हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और इतना लेने आ रहा हूँ कम बात है, कोई कोई तो लाते भी नहीं है। बाकी यार डेली काम करता हूँ, कभी कभी रेस्ट भी होना चाहिए। आज मैं एडिटिंग पे लगा पड़ा था सुबह से, कल रात पूरे दिन यहाँ लाइट नहीं थी, कल पूरी रात यहाँ लाइट नहीं थी। हमारे पहाड़ों में एक नहीं 1000 दिक्कतें हैं भाई, कभी लाइट नहीं रहती है, पावर बैंक भी नहीं है, ऊपर से किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आदमी का मन ही नहीं करता ब्लॉग बनाने का। होता है कि पूरे दिन ब्लॉग बनाओ, एडिटिंग करो, वो अपलोड ही नहीं होता है, नेटवर्क की अलग समस्या, कभी लाइट भाग जाती है, बहुत प्रॉब्लम है यार यहाँ पहाड़ों में। लेकिन मज़े भी हैं, सुकून भी है, अभी मस्त करके रोटी खाएंगे, मेहनत की रोटी। आज तो भले मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की है। धूप इतनी हो रही है कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि दिन के 1 बज गए हैं, और हमारे खेतों में जाके ना इतनी धूप में हालत खराब हो गई, और चेहरा तो आप देख ही सकते हो, पहले ही इतने काले हैं और काले हो गए, बाकी अभी ना हमारी बुरी हालत हो गई तो हम यहाँ पे बैठे। मम्मी बोली हरे हो गए, बल काले से हर्रा वाले हो गए, हर्रा वाले, देहरादून वाले। जैसे ही मैं खेत से घर पहुंचे, छोटे भाई सुमित का फ़ोन आया कि मैं अचानक सड़क में आ गया हूं, और अचानक ही बताया उसने मुझे भी, तो घर पे आके शायद सरप्राइज़ देना चाहता है, तो उसको लेने जा रहा हूं नीचे सड़क में। और हमारे घर से सड़क 300-400 मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, कच्ची वाली सड़क, और जो बढ़िया वाली सड़क है वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर ऊपर है। वाह जी वाह जी वाह, अरे बैग फट जाएगा आराम से, इधर देख। हेलो गाइस, प्रणाम, ठीक है। सुमित ने भी अचानक ही मेरे को भी आके सरप्राइज दिया है, जैसे इसका फोन आया कि मैं सड़क में आ गया, मैंने कहा गुस्से में कि तू अचानक ही क्यों बोला, तूने पहले ही बोल देता, मैं तेरे को लेने तिलवाड़ा आ जाता। बाकी पता नहीं क्यों हल्की फुल्की तबीयत खराब लग रही है, और लंबे समय बाद आया इस बार, 6-7 महीने बाद, और इस बार देखो कितना पतला होके आया है। सफर कैसे रहा तेरा? बहुत खराब रहा, पूरे रास्ते टूटे हैं। बस इसके साथ भले एक लॉल हो गया, इसको जाना था इस वाले रास्ते, जिस दिन मैं घर आया तो मैं श्रीनगर होते हुए आया,
लेकिन ये पूरा टीरी होते हुए फिर श्रीनगर आया, क्योंकि वो बस श्रीनगर की थी। बल अभी मम्मी को सरप्राइज देने वाले हम ठास करके। ये देखो गाइस, हे बाबा। हेलो दाई, नाती आ गया तुम्हारा। हे बाबा पहुंची गौर, तुमसे भी लम हुएगी। दादी हमें ये सब बोलती थी, लम्बे नहीं हो रहे, दम्बे नहीं हो रहे, तबियत लम हुएगी तुम्हें। नाती चल सुमित अंदर ठस करके। वाह जी वाह, ये देखो यहाँ फोन पे लगी पड़ी है मम्मी। क्या हो रखा है ये देखो, इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो रखा है, ऐसा लग रहा था फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। ये इसको अब आ रही याद पैर छूने की, इसको अब आ रही याद पैर छूने की, भैया के पैर भी छूने हैं। और भैया ऐसा हो रखा है सूखी लांग, ये बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया सुमित, हद से ज्यादा लंबा। गाइस अभी ऐसा है ना, वो सभी लोग बैठे हुए हैं और मेरे काम है पूरे बर्तन धोने का, क्योंकि वो लोग सुबह से खेत गए हुए थे और सारे काम बटे हुए होते हैं, तो उन्होंने खाना वाना खा लिया हम सब ने, अब बर्तन धोने का काम मेरा है। तो भाई काम बांटना जरूरी है, फिक्स काम रहेगा तो समय पे फ्री हो जाओ। बर्तन धोने का काम भी निपट गया। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कोई काम एक्स्ट्रा भी नहीं करता है और कम भी नहीं करता है, मतलब जो काम जिसको मिला होता है वो पूरा करता है। गाइस अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठ गए सारा काम निपटा के, और जब भी कोई इंसान परदेश से घर आता है ना, तो आदमी सब सोचते हैं यार क्या ला रखा होगा। तो हम भी देखते हैं भाई, खोलते हैं इसको। ये मक्या चीज भाई, खोलने की अलग ही फीलिंग रहती है। डैडी बनी तू जो तभी बतो। वाह जी वाह, किसके लिए है ये? दो जोड़ी है, एक तो मैं लेके जाऊंगा। ये बुए, हाँ 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 हाँ, क्या बात है। इसको पता है मम्मी सबसे ज़्यादा जलेबी खाती है, और दादी भी जलेबी फेवरेट। वाह जी वाह, बिला लिया चाय का। वाह जी वाह, ये मेरे लिए साक्षी के लिए, इसके लिए भी लाया शर्ट, दिखा तो खोल के कैसी लग रही है। वाह जी वाह, पिछली बार मेले ये बहुत कपड़े लाए थे, इस बार लाया नहीं लगता है। वाह जी बढ़िया लग रही है। वैसे ये पढ़ाई करता है क्या लाना इसने, लेकिन ये साथ साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है अपने खर्चा निकालने के लिए। गाइस मुझे व्हाइट और ब्लैक बहुत बढ़िया लगता है ना, तो एक शर्ट मेरे लिए स्पेशल लाया सुमित। वाओ थैंक यू सो मच। गाइस सुमित आया है इमरजेंसी में घर, इसकी तबीयत अचानक दो दिन से बहुत खराब होने लगी थी, तभी अचानक बिना बताए घर आया है, और हमने कहा सरप्राइज। बेबी आ गया तो बहुत काफी है। हमें वहाँ इसको कह रहे थे घर आ जाए। सुमित लाया कलर चेंजिंग सूज, अभी ये आपको पूरे वाइट दिख रहे होंगे, और धूप में ले जाता हूँ मैं। आप देखो हैं धीरे धीरे, ये देखो पिंक होना शुरू हो गया है, ये देखो हैं, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से येल्लो हो गया, ये देखा आपने। वाह जी वाह, अभी सुमित डांट खा रहा है, सुमित अभी डांट खा रहा है दादी की, ये जाट से बाल क्यों रखे हुए हैं, अब उस पे वैसे ही बाल सूट करते हैं। जब भी आदमी देश से आता है वो कुछ भी मिठाई नहीं खाता है, बट जो घर पे रहते हैं ना भाई, हमारा तो इतना मन करता है मिठाई खाने का, जल्दी दो भाई, चाची को दो घिरनी दे दी है। मम्मी भी आ चुके हैं, और इस पे खाने के लिए क्या है, फोन। ये देखो पहाड़ों में कब बारिश हो जाए पता नहीं लगता है, और काफ़ी चीज़ें ला रखी है मम्मी ने यहाँ पे, चीज़ें क्या ले जानी है। काफ़ी घास ला रखा है भाई। दोस्तों अभी शाम का समय हो गया, और मैं जा रहा हूँ अगस्त मुनि के लिए, कल मैंने एक बहुत बढ़िया जगह जाना है ट्रिप पे, और आप सभी और बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर पहुँचेंगे। बाकी ठीक है सुमित, बैठ, बोल रहा हूँ यार कल ही आया और आज जा रहा है। ठीक है दादी जी प्रणाम, बैठो तब। ठीक है सुमित है, तबीयत का ध्यान रखना अपना। माँ जी, ये बुए मेरा कमर पीड़ा, ठीक जी मैं प्रणाम, बैठा हुआ ठीक जी, ओह ठीक है साक्षी, फोन चलाने से बचना। हाँ ठीक है, तो भाई इसके पेपर चल रहे हैं तो इसका ठीक है, पढ़ाई करेगी। दोस्तों अभी बिल्कुल शाम का समय हो गया है, ठीक है तब बाय सभी को, दादी बाय, बैठो तब, अपना ध्यान रखना रे। हेलो ब्रो, हमारे कुलदीप भाई भी आ गए हैं बाजार से,
इनके आने का समय हमारे जाने का। भाई सफर की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेकर, जय माता दी। आजकल वैसे तो मौसम बहुत खराब चल रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है इधर उधर घूमने का, क्योंकि जब भी नई बाइक आती है ना, और मैं तो तीर्थ स्थल जाने का मन कर रहा है मेरा कहीं ना कहीं। अब देखते हैं कल सुबह निकलेंगे, जहाँ के लिए भी निकलेंगे आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप लोग अपना साथ बनाए रखें। रात की बारिश के कारण और ज़्यादा नीचे आ गया, वहाँ पूरी दरारें पड़ चुकी हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, और बहुत ज़्यादा खतरा है इनके लिए। अब वो वहाँ पुश्ता भी नहीं लगा रहे, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन सारा नीचे आना ही है। मैं अभी तिलवाड़ा पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे आ रखा था हेयर कटिंग कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो इन सबको आई फ्लू हो गया, ये देखो मैं खुद भाई, ये देखो इनकी वजह से हेलमेट ना पहना हो जाए। अच्छा वो हेलमेट पहना हुआ था मैंने, और उनके सामने तो हेलमेट बंद था भाई, बहुत ज़्यादा है, ये भी कोरोना की तरह फैल रहा है। गाइस भाई की दुकान में आ रखा हूँ और भाई को नहीं हो रखा है, अब मैं इस वजह से मैंने कहा अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, तो चश्मा पहन के कटवा रहा हूँ दाढ़ी। दाढ़ी कटवाना भी ज़रूरी है यार। गाइस अभी बढ़िया से शेविंग हो चुकी है, बाकी कटिंग में बहुत समय लग जाता है, इस वजह से हमने कराई नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब कराएंगे। जब ये रामपुर पहुंच गए और यहाँ पे टंकी फुल करवा देते हैं। जब ये पहुंच चुके हैं लोकेश भाई की शॉप पे। हेलो मेरे भाई, क्या हाल है? ठीक है। हेलो ब्रो, तो आज हम इनके रूम पे रुकने वाले हैं। तो काफी दिनों बाद अमित भाई से मुलाकात हुई, और सबसे पहले तो अमित भाई को नई बाइक की बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके लिए। आपसे ये तरक्की करें, हम तो यही चाहते। इसको बुखार लग रहा है और आई फ्लू भी लग रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है। नहीं, नहीं, भाई ये है, आजकल मैं फ्री फायर ज्यादा खेल रहा यार। अच्छा गेम का सर है, ठीक है। अगस्त मुनि आया था और ये देखो इनके हाल ये हैं, ये सारे गेम खेल रहे हैं, और इस चीज़ से मैं बहुत पछता गया हूँ, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। गाइस अगर ये काम मैं बहुत पहले छोड़ देता ना, तो आज मैं बहुत आगे रहता, लेकिन फिर भी मेरे को अकल आ गई, लेकिन इनको पता नहीं कब आएगी। सभी दोस्त गेम पे लगे हुए और मैं अंदर आ गया, मैंने कहा मैं सो जाता हूँ, ऐसी चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, और मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अभी भी उनको देख के लगता है कि भाई वो कभी नहीं सुधरने वाला, लेकिन हर किसी का एक वक्त आता है जब मजबूरियां सुधरने पे मजबूरी कर देती हैं। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो नीचे एक ब्लैक कलर का या रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।